नमस्कार, मैं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं मुंह मीडिया और अभी हम दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास हैं। ये आप देखिए कि ये कूड़े का पहाड़ आप ही के और हमारे घर के कचड़ों से बना हुआ है। कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा, ये देखिए, कभी ये इलाका भलसवा डेयरी का अपने उत्पादन के लिए जाना जाता था और तमाम तरीके के लोग इधर रहते थे। आज लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों के जो रियायसी मकान हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उनका जीना दुभर हो गया है। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि ये दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर आज कुत्ते से लेकर चिलकौओं का बसेरा हो गया है। सरकार जो है जेसीबी ठप पड़े हैं, कूड़ा को प्रोसेस करने की मशीनें भी बंद पड़ी हुई हैं। इन कूड़ों से ये पहाड़ तो खड़ा हो गया है, लेकिन सरकार इनकी प्रोसेस की अभी भी व्यवस्था नहीं की है। अपने आप ही कुछ घास यहाँ उग गए हैं। ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आज इस जिल्लत भरी ज़िंदगी को जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन कितनी भी रिपोर्टें बन चुकी इस पर, उसके बाद भी है कि सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। आपको हम बता दें कि ये कूड़े का पहाड़ सिर्फ यही नहीं, दिल्ली के और भी अलग अलग बॉर्डरी इलाकों में बनाए गए हैं, चाहे वो गाजीपुर का इलाका रहा हो, चाहे ये सिंघू बॉर्डर के इलाके में जो भलसवा डेयरी है यहाँ का ये इलाका रहा हो। ये कूड़े का पहाड़ बता रहा है कि हम और कितनी विकास की तेज रफ्तार में जा रहे हैं। कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि ये दिखाएं कि ये किस तरीके का कूड़े का पहाड़ है। अगर ये विकास है तो रोक दीजिए सरकार इस विकास की गति को, क्योंकि ऐसी विकास हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये विकास है तो फिर जब जिंदा इंसान ही नहीं बचेंगे तो फिर कैसे हम विकास को इंजॉय कर पाएंगे। आइए, कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनकी यहाँ पे ज़िंदगी कैसी दुभर है, उनसे बात करते हैं। सर, ये कूड़े का पहाड़ है, कैसी ज़िंदगी है यहाँ? तो बहुत बदबू आ रही है। बदबू तो आती है कूड़े में। क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानी तो कुछ नहीं, पर बदबू तो आती है कूड़े में। अच्छा, क्या सरकार इसके लिए कर रही है? आप लोगों ने आवाज़ उठाया है इसके लिए? हाँ, प्रोसेस चल रहा है कूड़े का ही। अच्छा, इसको छान रहे हैं ना ये? हाँ, इसे अलग अलग कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम? सुधीर कुमार। जी, आप यहाँ पे? जी। अच्छा, आप ये इसके जूनियर इंजीनियर हैं आप? हाँ जी। तो ये इतनी बदबू क्यों आ रही है? इतना कुछ बदबू तो आती है कूड़े में। अच्छा, तो नहीं, प्रोसेस होने के बाद तो कूड़ा जो है प्रोसेस तो काम रुका पड़ा ना अभी काफ़ी दिनों से। अच्छा। जी। तो ये थे, पानी पड़ता ना तो हाँ, बदबू आएगी। जी। नहीं, सरकार कह रही थी कि हम इसको प्रोसेस करा रहे हैं और ये इसकी... हाँ, प्रोसेस चल तो रहा है, मशीन लगी हुई है ना ये। अच्छा, तो बारिश की वजह से अभी ये रुकी पड़ी। अच्छा, तो इसका निदान क्या है? निदान यही है इसका, छानने का। अच्छा, हाँ। तो सर, ये तो एक लेयर के बाद एक लेयर ऐसे बढ़ते जा रहा है। हाँ, तो उसमें से ये ला रहे हैं ना नीचे कूड़े को काट के। अच्छा, प्रोसेस कर रहे हैं इसी है? इसी छान रहे। मगर कैसे आप करते हैं, एक बार दिखाएंगे आप? मशीन जब डालते हैं ना इसमें, उधर से डालते हैं, ये घूमती है, तो इसमें से ये ईंट पत्थर तो अलग हो जाए, और इसमें से ये बारीक कूड़ा जो निकलता इसे ये इनर्ट बोलते हैं, ये अलग हो जा। अच्छा। पन्नी वन्नी इसमें ऐसा अलग हो जा। अच्छा। तीन तरह के वो है, फिर उसका अलग भेजते हैं बाहर। अच्छा, हाँ, किसी में इस्तेमाल होता है? कहीं भी किसी भरा हो रहा हूँ मैं। अच्छा, गड्ढा हो कोई उसमें डालते हैं। नितिन गडकरी ने कहा था कि रोड बनाने के काम में कूड़े का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, रोड बनाने के में लिया नहीं इसको। अच्छा, इसको नहीं लिया? ये तो जैसे क्रीमेशन ग्राउंड है ना भलसवा डेयरी, इसमें सबा डेयरी वगैरह में वहाँ डाला इन्होंने काफ़ी। अच्छा, यहाँ मुकंदपुर स्कूल है, यहाँ डाला। अच्छा, हाँ। आपका नाम सर? सुधीर कुमार। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी भी कूड़े का अंबार लगा हुआ है। सरकार के द्वारा जो भी प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए हैं वो अभी काम बंद पड़ा हुआ है। ये कुत्ते जो हैं आप देख रहे हैं कि कैसे कूड़े के पहाड़ों से ऊपर आ रहे हैं। इनका भी जीवन यापन इसी पे चल रहा है। यहाँ के नागरिकों का जीवन जो है दुभर हो गया है। आपको और भी हम बताएंगे
कि किस तरीके से यहाँ के नागरिक जो हैं गंदी हवा में जो दूषित हो चुकी है, जो जहरीली हो चुकी है, उसमें सांस लेने के लिए मजबूर हैं। हम जब आए तो यहाँ पे सांस लेना इतना मुश्किल हो गया था। आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आम जनता रह रही होगी। आप भी सोचिए कि कैसे वो रह रहे होंगे। आप ही के कचड़े के ढेर की वजह से आम ग्रामीणों का जीवन जीना दुभर हो रहा है। आखिर ये कैसी विकास की दौड़ है जिसमें हम अंधाधुंध कचड़े पैदा कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कचड़े भी हम पैदा कर रहे हैं। कल तक हम प्लास्टिक के कचड़े पैदा कर रहे थे, जिसका ये जीता जागता उदाहरण भलसवा डेयरी का कूड़े का पहाड़ है। आप अगर हम विकास की इस अंधी दौड़ के अगर नहीं संभलें तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा दिल्ली का ये पूरा का पूरा बॉर्डरी इलाके कूड़े के पहाड़ों में तब्दील हो जाएंगे। समझना आपको भी है, समझना हमको भी है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं पंकज कुमार मूव मीडिया के लिए भलसवा डेयरी नई दिल्ली। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।